साथियों आप सभी का स्वागत है। और अभी एक साथी ने कमेंट किया जो रेलवे यूनियन में महामंत्री हैं कि सर ओपीएस पर भाषण, तो विस्तार से तो मैं नहीं यहाँ पर बता सकता हूँ, लेकिन कुछ बातें जो आप भाषण के दौरान बोल सकते हैं। संबोधन तो आप करेंगे ही और इसके लिए भी कई सारे वीडियो अपलोड हैं। तो जो पुरानी पेंशन और नई पेंशन पर अगर आपको बोलना है तो सबसे पहले आपको अंतर समझना होगा कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में अंतर क्या है। जहाँ तक नई पेंशन में जितना आपका अंशदान कटता है उतना ही सरकार देती है और वो पैसा मार्केट में बाजार में लगाया जाता है, उसके बाद उस पर जो ब्याज मिलता है, और जहाँ तक सुना गया है कि 60% रिटायरमेंट के बाद, लेकिन अब बाकी 40% से पेंशन किस्तों में बांधी जाती है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि जो पैसा मार्केट में लगाया जाता, मैंने आज तक कई सारे म्यूचुअल फंड और छोटे छोटे शेयर बाजार में पैसा लगाया लेकिन मेरा पैसा आज तक बढ़ा नहीं। मैंने एक बार LIC में भी मार्केट प्लस योजना के तहत लगाया था, मेरी माता जी ने, वो भी पैसा बड़ा नहीं जो था। तो लोग ये कहकर तसल्ली दिलाते हैं कि इसे आप लॉन्ग टर्म लंबे समय में अगर पैसा जमा करेंगे तो अच्छा ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे पुरानी पेंशन। तो निश्चित ही हमारे पिताजी पेंशन से रिटायर हुए, उसके बाद मेरे पिता को 20 वर्ष उनका देहांत हुआ, इसके बाद 20 वर्ष हो चुके हैं देहांत हुए और आज माता जी को भी पेंशन मिल रही है। मेरे पिताजी को उस समय 2000 रुपये पेंशन मिलती थी, आज मेरी माता जी को 10000 रुपये पेंशन मिल रही है और उनका जो बुढ़ापा है सम्मानजनक तरीके से कट रहा है। हम लोग भी उनकी सेवा करते हैं और उनको पाल सकते हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास उनको उनकी पेंशन दे रहे, उनके पति का धन, वो शायद हमारी सेवा से, हमारे धन से उन्हें वो संतुष्टि ना मिलती। अब पुरानी पेंशन, अगर नई पेंशन पुरानी पेंशन से बेहतर है, अच्छी है, तो आप बोल सकते हैं सबसे पहली बात कि यदि ये अच्छी है तो पूरे देश में समान रूप से सभी के लिए लागू की जाए। आखिर अगर अच्छी चीज़ है, अगर अच्छी कोई वस्तु है तो सबके लिए होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि अंग्रेजों ने पेंशन बंद की थी। देखिए 1857 की क्रांति हुई, उसके कई सारे कारण थे, लेकिन उनमें से एक प्रमुख कारण ये था कि अंग्रेजों ने भारतीयों की पेंशन, यानी कि जो भारतीय शासक थे, यहाँ के राजा थे, उनकी पेंशन बंद की। और कहते हैं कि जब पेंशन बंद की तो कहते मरता क्या ना करता, और अंतिम रूप से आज़ादी की क्रांति का बिगुल फूंका गया। तीसरी बात, अगर पेंशन हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो आप ये ना बताइए कि मुझे पेंशन क्यों चाहिए, आप ये बताइए कि मैं सरकारी सेवा में क्यों आया। तो सरकारी सेवा में आने का एक प्रमुख कारण ये भी था कि बुढ़ापे में जब हमारे हाथ पैर थक जाएंगे, उनमें वो शक्ति नहीं रहेगी और हो सकता कि हमारी औलाद हमारा साथ ना दे, तो वही पेंशन हमारे जीने का सहारा बनेगी। नहीं तो जवानी तो हम कुछ भी करके, मेहनत मजदूरी, छोटा मोटा काम करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा हमारे किस तरह सुरक्षित रहेगा उसके लिए सरकारी सेवा में आना हुआ, प्रमुख कारणों में से एक। तो पेंशन हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है। तीसरी बात, कि जो हमारा अंशदान होता उसे शेयर बाजार में लगाया जाता। साथियों निश्चित ही जब हम लोग छोटे थे तो हमें हमारे घर वाले लॉटरी या सट्टा बाजार, सट्टा में पैसा लगाने के लिए डांटते तो क्या, बिल्कुल ही मनाही थी और बड़े ही गलत गंदी नज़र से देखा जाता। तो जो लोग ऐसा करते हो, अभी भी अगर कोई कहीं सट्टे में पैसा लगाता है तो उसको, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता। तो शेयर बाजार में पैसा लगाना भी एक तरह से, पूरी तरह नहीं तो थोड़ी बहुत, वो सट्टे के ही तरह। तो जब हम अपना धन सट्टे में क्यों लगाएं, सरकार गारंटी दे कि मुझे इतनी पेंशन
मिलेगी या हमें हमारे धन की इतनी गारंटेड मनी बैक पॉलिसी हो तब तो ठीक है। तो कुल मिलाकर पुरानी पेंशन जो कि एक सम्मान है और नई पेंशन, जहाँ तक मैंने जितने लोगों को अभी तक सुना है, मैंने उनके कागजों को नहीं देखा लेकिन सुना है कि 15 से 2000 रुपये बड़ी बड़ी पोस्ट से जो लोग रिटायर हुए उनकी पेंशन 15 से 2000-3000 रुपये बन रही है, जैसे कि बिजली का बिल नहीं चुकाया जा सकता। तो इन सब बातों को आप अपनी बात में शामिल कर सकते हैं, अपने भाषण में शामिल कर सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं।